गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रिवीजन वर्कशीट में इंग्लिश में हम चेंज द नंबर करेंगे, वचन बदलो जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। चेयर मतलब एक कुर्सी, इसमें पीछे एस लगा देंगे। चेयर्स मतलब दो या दो से ज़्यादा कुर्सी। क्लास एक क्लास, इसमें ई एस लगाएंगे तो क्लासेस मतलब दो या उससे ज़्यादा क्लास। बॉय लड़का, बॉयज लड़के। लीफ पत्ती और इसका एफ हटा के एल ई ए वी ई एस, लीव्स पत्तियाँ, बहुत सारी पत्ती मतलब। इसके बाद मैंगो एक आम, इसमें ई एस लगाएंगे तो मैंगोस बहुत सारे आम। एप्पल एक सेब, एप्पल्स बहुत सारे सेब। फ्लावर एक फूल और फ्लावर्स बहुत सारे फूल। हैंड एक हाथ, हैंड्स बहुत सारे हाथ। ट्री एक पेड़, ट्रीज बहुत सारे पेड़। मंकी एक बंदर, मंकीज बहुत सारे बंदर। तो हमने इनके नंबर चेंज कर दिए। उसके बाद हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो पीने योग्य हो पे, जिसके पास धन हो धनी, जिसके पास धन ना हो निर्धन, जिसका अंत ना हो अनंत, लोगों में प्रिय लोकप्रिय, जो गांव में रहता हो ग्रामीण, जो नगर में रहता हो नागरिक, जिसमें रस हो सरस, जिसमें रस ना हो नीरस, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, भगवान को मानने वाला आस्तिक। उसके बाद हम मैथ में वर्ड प्रॉब्लम करेंगे डिविज़न की। द सैलरी ऑफ 24 वर्कर्स इज रुपीज 61800, 24 कर्मचारियों की इतनी तनख्वाह है। इफ ईच वर्कर गेट्स द सेम सैलरी, अगर हर कर्मचारी को एक जैसी सैलरी मिलती है, फाइंड द सैलरी ऑफ ए वर्कर, एक वर्कर की आपको सैलरी निकालनी है। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, सैलरी ऑफ 24 वर्कर्स कितनी है, रुपीज 61800। निकालना हमें क्या है, सैलरी ऑफ ए वर्कर, एक कर्मचारी की निकालनी है। तो क्या करेंगे, 24 को डिवाइड कर देंगे 61800 से। पहले 2 पे जाएगा, ये आप करके देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक समझा देती हूँ। कितना आया, 24 टू जा होता है 48, 11 में से 8 गया 3, 5 में से 4 गया 1, आगे से हमने क्या उतारा 8। इसके बाद ये जाएगा 5 पे, कितना आएगा, 24 5 जा 120, 8 का 8, 3 में से 2 गया 1, आगे से क्या उतारा हमने 0, कितने पे जाएगा ये 7 पे, 24 7 जा होता है 168, 10 में से 8 गया 2, आगे से हम 0 उतार लेंगे, 7 में से 6 गया 1, 0 उतार ली हमने। अब ये कितने पे जाएगा फिर से 5 पे, 24 5 जा 120। तो एक वर्कर की कितनी सैलरी है, रुपीज 2575, ये हमारा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना, दो नंबरों का प्रोडक्ट इतना है, ठीक है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 28, अगर एक नंबर उसमें से 28 है तो आपको दूसरा नंबर निकालना है। स्टेटमेंट क्या होगी, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 145796। अब इसमें से वन नंबर कितना है 28, निकालना हमें क्या है अदर नंबर। क्या करेंगे, 28 को 1
फोर फाइव सेवन एंड सिक्स से डिवाइड कर देंगे। ये डिवाइड थोड़े अलग टाइप की है, मैं आपको ये भी समझा देती हूँ। 28 पहले जाएगा 5 पे, 28 5 जा कितना होता है 140, 5 का 5 इधर कुछ नहीं बचेगा, आगे से क्या उतारेंगे 7, अब कितने पे जाएगा ये 2 पे, 28 2 जा कितना होता है 56, 7 में से 6 क्या 1, आगे से उतारा 9, अब ये तो 19 तो इससे बहुत छोटा हो गया, अगर हमारे पास यहाँ छोटा नंबर है और एक और डिजिट अगर नंबर हमारे पास अगर बचा है उसको भी लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर एक जीरो ले लेंगे, ठीक है। जीरो लेने के बाद हम 6 को भी उतार लेंगे ताकि हम इसको डिवाइड कर पाए। अब कितने पे जाएगा ये 7 पे, 28 7 जा कितना होता है 196। आपको ये ध्यान रखना है जब यहाँ पे बहुत ही छोटा नंबर हो और आगे नंबर बचे हुए हो तो क्या करेंगे, हम एक जीरो लेके उससे आगे वाले नंबर को भी ले लेंगे ताकि हम उसको डिवाइड कर पाए। तो हमारा दूसरा नंबर क्या है 5207। इसके बाद EVS टिक द करेक्ट ऑप्शन, इट इज़ ए कंट्री फेमस फॉर इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन। अपने कल्चर और मतलब सभ्यता और संस्कृति के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है, चाइना अमेरिका या इंडिया, इंडिया। इट इज़ ए कम्युनिटी लंच ऑर्गेनाइज इन गुरुद्वारा, गुरुद्वारा में कौन सा लंच होता है, लंगर। स्कूल्स दैट हैव हॉस्टल फॉर द स्टूडेंट्स आर, वो स्कूल जिनमें बच्चों के लिए हॉस्टल भी होता है, रहने की खाने की सुविधा भी, वो क्या होते हैं बोर्डिंग स्कूल। इन ए हॉस्टल मेंस द क्वालिटी ऑफ फूड इज चेक्ड बाय, हॉस्टल में खाने पीने की इनकी क्वालिटी किसके द्वारा चेक की जाती है, हॉस्टल वार्डन या मेस कॉन्ट्रैक्टर या पेरेंट्स। हॉस्टल वार्डन वही सब बच्चों की इन चीज़ों का ध्यान रखता है। नेक्स्ट, ड्रॉ एंड कलर एनी टू फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, कोई भी ऐसे दो खाने चीज़ें आप ड्रॉ कीजिए जो हमें पौधों से मिलती है, जैसे हमने एक सब्जी फल बनाया एप्पल, सब्जी बनाई कैरेट, आप कुछ भी और चीज़ बना सकते हैं जो हमें पौधे से खाने की मिलती है, सिर्फ खाने की चीज़ें ड्रॉ करनी है। थैंक यू।